सत्य लगी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और मैं हूँ आपके साथ राकेश। आज अगर बात करें तो जैसे आपको पता है कि 10वीं कक्षा का और 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट आउट हुआ है, तो सत्य लकीर जो है लोगों के घर पहुंच रही है, उन बच्चों को जाके मान सम्मान दे रही है, जो बच्चे अच्छे अंक से प्राप्त करके अपने क्षेत्र, समाज, माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें हैं वार्ड नंबर 12 से। हमारे बीच में बैठे हैं चैतन्य शर्मा जी, उनके पिताजी राजकुमार जी, जिनको बड़े ही प्यार से इनका नाम प्रसिद्ध है, राजकुमार गोपी जी बोलते हैं इनको। ये वार्ड नंबर 12 के हैं। साथ में बैठे हुए हमारे सोशल वर्कर, ये हमारे एक्स काउंसलर रहे हैं वार्ड नंबर 13 से, इंद्रजीत सूदन जी, हमारे बड़े ही माने, हमारे बड़े ही प्रिय, हमारे वार्ड नंबर 12 और 13 के रहने वाले शिवनगर के अशोक कुमार खजूरिया जी। साथ में आप देख सकते हो हमारे बीच में श्री हेमराज खजूरिया जी, इन्होंने बड़ी देर कार्यवाहक संघ के मंत्री रहे हैं और संघ में बड़ी देर इन्होंने काम किया हुआ है। तो जो मेरे साथ इस समय फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैमरामैनी कर रहे हैं, राजकुमार प्रोविजनल स्टोर पुराना पीढ़ी से, जो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं हमारे चैतन्य जी से। सबसे पहले चैतन्य जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है। शुक्रिया। कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं आपने? मैंने 90% मार्क्स लिए हैं, और इसका श्रेय मैं अपने पहले पापा को देना चाहता हूँ और मम्मा को भी। बड़ी खुशी है, मैंने अपने मम्मा पापा का नाम रोशन किया और अपने स्कूल स्टीफन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मीरा साहब खोलिया, वहाँ पे भी स्कूलों के टीचर्स का थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, क्योंकि कोरोना में सब ऑनलाइन ही हुआ था, तो उनकी वजह से ही, और मम्मा पापा के आशीर्वाद और सभी के बूढ़ों के आशीर्वाद से ही। जब 10वीं कक्षा में थे आप, 10वीं कक्षा में जब उसका रिजल्ट आउट हुआ था, तब आपके कितने मार्क्स थे? तब मेरे 88% थे। मतलब 88 आपके 10वीं में थे, तो 90 अभी आपने, तो 2% कम आपने इसमें इजाफा किया है जी। तो आपको कौन सी गेम जो खेलना वगैरह पसंद है? मैं तो ऐसे नेशनल, मैंने कराटे में खेला है, नेशनल लगाया 2 बार, और एक बार मेरा सिल्वर आया था जो यहाँ पे हुआ था नेशनल कुंजवानी वाली साइड, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था जम्मू कश्मीर की तरफ से। मतलब कि आपको गेम में कराटे की जो गेम है वो ज़्यादा पसंद है? क्रिकेट वगैरह? हाँ वो खेलता, पर वो एक शौक की तरह खेलता हूँ, मतलब कराटे में मज़ा आता, पैशन है वो इसलिए। तो ये जो आप गेम वगैरह करते हो या पढ़ते हो, कोई इसका आपका टाइम टेबल वो होगा, अपना टाइम टेबल तो बनाया होगा? हाँ। जो सत्य लकीर के हमारे जो बच्चे देख रहे हैं या हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन बच्चों को एक मैसेज देना है कि कैसे आपकी रूटीन रही है, कैसे आपने पढ़ा, किस टाइम में आप खेले हो, ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी आपकी तरह रूटीन बनाए, अच्छे मार्क्स लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कोई मैसेज उन बच्चों को? रूटीन तो नहीं, सिर्फ एक है, जब पढ़ने बैठना तो सिर्फ पढ़ने बैठना है, जब खेलना तो सिर्फ खेलना, बस ये, जब दिल से पढ़ना है दिल से खेलना, बस यही है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के चैतन्य शर्मा जी, इन्होंने आपको पूरे विस्तार से बताया। तो इस समय हमारे बीच में राजकुमार जी, लड़के के पिताजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले मैं अपने शिवनगर वार्ड नंबर 12 और 13 को बधाई देना चाहता हूँ कि उन सभी बुज़ुर्गों से, ये जो महानुभाव बैठे हैं, इनके शुभ आशीर्वाद से, इनका आशीर्वाद रहा मुझे भी, और मैं अपने बेटे को भी समझाता रहा कि हमारे आरसपुरा में वार्ड नंबर 12 13 में और जो हमारे दोस्त हैं, तो इनका बड़ा प्यार था मेरे प्रति और मेरा प्यार था इनके प्रति, कि उनकी रेडिशन टाइम टू टाइम, ये बड़े खजूरिया साहब, अशोक जी, इंद्र जी, अपने विजय भैया जी, राजू ओशो जी, ये सभी समझाते थे भाई बेटे को। फिर मैं भी उनको बोलता, मैं देखो सभी लोग, और हमारे गांव में अभी ये CBSE का रिज़ल्ट आया, तो इसके पहले JNK बोर्ड का आया था, वहाँ हमारे दोस्त मनोज जी हैं, उनकी बेटी थी भूमि कश्यप, उसने भी 87 का स्कोर किया था 12th में। तो अशोक कुमार जी थे हमारे फौजी भाई थे, उनकी बेटी उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं, मानसी बेटी ने भी 83 के करीब स्कोर किया था। अभी हमारे यहाँ एक जोगिंदर जी हैं, उनके बेटे ने भी 10th में मतलब 84-85 के स्कोर किए। तो बच्चे पढ़ते एक समाज में एक खुशी की लहर बनती है, हमें भी खुशी होती है भाई बच्चे पढ़ते। हमारे पिछले वार्ड नंबर 13 में एक लोहार जी का काम करते हैं, उनके बेटे ने भी कोई 95 के करीब JK बोर्ड में नंबर लिए हैं, तो अच्छा लगता है। तो बाकी बच्चे समाज के प्रति बड़े होकर कुछ बने, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, बस यही एक हमारा लक्ष्य है। तो ये बच्चे, आप सबको मुबारक, चैनल का भी मैं, सत्य लकीर का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे घर में आए, और इन महानुभावों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, आते हैं बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सब। सर, एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि जब बच्चा मैट्रिक में पास हो या 12th में पास हो,
वो अलग से कुछ करना चाहता है, माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा ये करे, आप क्या चाहते हो? आप इस बच्चे से सहमत है, जो जो करना चाहता है उसको करवाना चाहते हो? देखो, हमने इसको कुछ नहीं बोला, मैं कह जो लाइफ में आपको अच्छा लगता है आप वो करो। हम नहीं बोलते थे आप ये वाला कोर्स करो, वो करो, ये वाली पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, ये नहीं। जो इसको अच्छा लगता है वो करेगा, वो हम इसके साथ हैं, हमारे मानुभाव हमारे साथ हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे भी कोई एडमिशन करवानी हो उसके लिए हम तैयार हैं, जो इसको अच्छा लगता है। मैं इसको फोर्सली नहीं कहूँगा आप ये करो, ये ट्रेनिंग करो, नहीं। जो इसको अच्छा लगता है वो करे, वो अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको पता है मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ये डिसाइड करेगा। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, अब हम आपकी बातचीत करवाएंगे हमारे जो जहाँ के एक्स स्पॉन्सर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सोशल वर्कर इंद्रजीत सूदन जी। सर, आज आप वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं, इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले मुबारकबाद देता हूं इनके माता पिता को और पूरे शिवनगर निवासियों को कि हमारे शिवनगर नगर में कोई किसी बच्चे ने इतने नंबर लेकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी मोटी बात नहीं है। पहले हम सुनते होते थे कि कोई बच्चा पुराने दौर में किसी दूर जाके किसी पता लगता था कि उधमपुर में जा किसी दूर में किसी बच्चे ने नंबर लिए तो बोलते थे बाबा बाबा के। लेकिन आज हमें खुशी है कि हमारे शिवनगर में भी काफ़ी बच्चे जो हैं ऐसे जो जब रिजल्ट आता तो काफ़ी नंबर लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। बहुत ही मैं चेतन शर्मा बच्चे को अपने को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही बच्चे सारे जो इनकी तरह पढ़ाई करें और नंबर ले, हमारे शिवनगर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत मुबारकबाद मैं इनके माता पिता को देता हूँ जिनकी सच्ची लगन अपने बच्चों की प्रति थी और बच्चे ने अपना वो काम करके दिखाया जिससे माँ बाप का नाम रोशन हुआ। तो ये थे हमारे साथ इंद्रजीत सूदन जी, अब हमारे बीच में बैठे हैं हमारे बहुत ही माननीय प्रिय अशोक खजूरिया जी। आइए जानते हैं सर, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, जब किसी गाँव में या किसी शहर में बच्चा लेता था डिस्टिंक्शन, कहते थे बच्चे की डिस्ट्रक्शन आ गई है, लेकिन आजकल जो भी बच्चा है 90% या 92% मार्क्स ले रहे हैं, क्या इसमें जो हमारे स्कूल के टीचर हैं वो सख्त हो गए हैं या माता पिता ज़्यादा अवेयरनेस हो गए? सबसे पहले तो मैं सत्य लकीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने राकेश कुमार पंडित जी जैसे लड़के होनहार जर्नलिस्ट हम लोगों को दी, जो ये ज़मीन से जुड़े हुए एक गरीब परिवार से और बहुत ही होनहार होने के नाते हर घर में हर जगह पे हर दुख में हर सुख में हर खुशी में इनका योगदान रहा। मैं ये नेशनल मीडिया वगैरह बिल्कुल नहीं देखता था, जब से राकेश जी ने ये ज्वाइन किया मैं इनकी हर क्लिप देखता हूँ, उसमें मुझे 99% इनकी जो रियलिटी महसूस होती। अदरवाइज ये जो जितने मीडिया वाले ऐसे ही फ्रॉड कहीं से बैठे कहीं बैठे, ये कर दिया वो कर दिया, इस वजह से मैं इसको इग्नोर ही करता था। और जब से राकेश जी आए हैं हमारे मीडिया में तो इनकी बातों में हमें सच्चाई लगती है, थोड़ा वजन लगता है, तो इसलिए मैं इनको देखता हूँ और इनके फंक्शन भी अटेंड करता हूँ। इन्होंने मेरे से ये पूछा कि ये जो इतने बच्चे नंबर लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसमें 2-3 बातें राकेश जी हो गई कि जब से बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में आई है तब से इस सरकार का फोकस ही एजुकेशन पर है। हमारे माननीय मोदी जी वो तो सुबह से लेके शाम तक हर देशवासी को, हर हिंदुस्तानी को उनका यही मैसेज है, सबसे पहले अपनी सेहत देखो, उसके बाद पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्योंकि आज के युग में सक्सेस वो ही देश होगा जिसकी जनरेशन जो पढ़ी लिखी होगी अवेयर होगी। अदरवाइज़ पहले तो एक ही युग था, वो तो चाहते ही नहीं थे किसी को पढ़ाना, वो चाहते थे कि लोग बेवकूफ़ी बने रहें, हम जिसको जिस पे थोपे, जो वेपन लाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो बनाए वो हम ही बनाए, बस किसी को कोई पता नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं इस देश में, उस इनके आने के बाद हमारे देश में एजुकेशन का स्तर इतना ऊँचा हो गया कि अब 90% तो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 12 शिवनगर में चैतन्य सूदन सबसे टॉप नंबर 12th क्लास में आज तक किसने लिए। आज के बाद हम कहते हैं हमारे बच्चे 100% लें, पर आज की डेट में चैतन्य हमारे टॉपर है और मैं दिल की गहराइयों से इनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनके पिताजी को जो एक गरीब परिवार से होते हुए एक पुलिस की नौकरी करते हुए छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक पहुँचे और अपने बच्चों को इन्होंने अच्छी एजुकेशन दी और इनकी माताजी ने अच्छा लालन पालन किया, अच्छा राशन दिया, अच्छी रोटी बना के स्वच्छ भोजन इनको वैष्णव भोजन करवा के सुबह मंदिर से पूजा पाठ करके इनको भेज देते, भगवान का आशीर्वाद भी इनके साथ रहा
और इन बच्चों की अपनी मेहनत भी, और इस बच्चे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिसने हमारा नाम, माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही किया है, गाँव का भी किया और साथ में हमारा भी रोशन किया हूँ, क्योंकि राजकुमार मेरा छोटा भाई है, ये मेरा भतीजा है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बस यही। तो ये थे हमारे साथ अशोक खजूरिया जी, इन्होंने पूरे विस्तार से आपको बताया है कि बच्चे के किस तरह की मेहनत रही है, किस तरह से इन्होंने मार्क्स लिए हैं, और इन्होंने पूरे आपको ये भी बताया गया है कि माता पिता की कैसे जहाँ पर मेहनत रहती है, बच्चे की कैसे मेहनत रहती है। और इन्होंने स्पेशली हमारे राजकुमार जी जो चैतन्य शर्मा के पिताजी हैं, इन्होंने बताया है कि किस तरह ये पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, किस तरह से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। तो अभी हमारे बीच में आरएसएस के कार्यवाहक मंत्री रह चुके श्री हेमराज खजूरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने सत्य लकीर चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज अपने राजकुमार जी का, जिन्होंने आज सत्य लकीर को जहां पर बुलाया, और ये इतने सारे महान जो हस्तियां आज मेरे सामने बैठी हुई हैं, बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए आई हैं और सत्य लकीर चैनल के साथ जुड़ी हैं। जी सर, आज आपके वार्ड नंबर 12 के चैतन्य शर्मा सपुत्र राजकुमार जी बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, समाज का, देश का, माता पिता का नाम रोशन किए है, इस खुशी के मौके पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको आए हुए इस खुशी में सबको बधाई देता हूं कि हमारे गांव में शिवनगर में चैतन्य जी हमारी गली में रहते हैं, और इनको मैंने कभी बाहर घूमते हुए देखा नहीं, केवल क्रिकेट गेम और पढ़ाई में मैंने इनको देखा। थोड़ा सा ये मकान के ऊपर क्रिकेट का भी थोड़ा थोड़ा काम करते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि देखो कैसे अच्छा बच्चा है। और जब भी इस गली से इसने बाहर निकलना तो कभी जय श्री राम प्रणाम करने के बगैर वह निकलना नहीं था। तो उस वक्त हमारी यही मन से निकलती थी कि ऐसे बच्चे होनहार बच्चे जो संस्कारित बच्चे हैं, ये एक दिन ज़रूर ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई गोल खिलाएंगे। तो जब ये पास हुए तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, रिजल्ट निकला तो इनके पिता शिवलाल जी ना कर्मा अपना राजकुमार जी, मुझे शिवलाल जी का अभी नाम आ गया, उन दादाजी स्वतः ही निकल गया, क्योंकि उसका मेरा आपसी बड़ा संबंध था, और शायद उनके आशीर्वाद को भी इनको इन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन वो भी एक बड़े महान व्यक्ति थे। तो जब इनका रिजल्ट निकला तो ये स्वतः ही राजकुमार जी इनको लेके मेरे पास आ गए, सबसे पहले मेरे पास आ गए। घर में बैठा था तो बच्चे ने आके प्रणाम किया, मैंने बोला किस खुशी में, तो कहने लगे जी इतने परसेंट नंबर लेके ये पास हो गए। तो मैं गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया कि हमारी गली में और हमारे बच्चे इतना नंबर CBSE में ले कर 12th में पास हुए। तो ये ज़रूर मैंने उस वक्त इनको एक ही याद है कि भगवान आपको उन्नति दे और अच्छी पोस्ट पर ले जाएं, और ताकि आप समाज का भला करो, साथ में ही जहां भी आप जाओ जिस पोस्ट पर भी जाओ मानवता दे आधार कर। आजकल हम जिस युवा पीढ़ी से ये रखते थे उम्मीद कि युवा पुराने लोग जो हैं वो थोड़ा ठीक नहीं थे कुछ लोग, तो युवा पीढ़ी आएगी तो ये भविष्य हमारे पूरे भारत का बदलेगा, क्योंकि करप्शन का जोर बहुत ज़्यादा था और हम समझते थे कि युवा आकर के इसको संभालेंगे। लेकिन थोड़ा सा खेद मुझे ये होता है कि जब मैं युवाओं को, कुछ युवाओं को मैं देखता हूँ, वो जब पोस्ट पर आते हैं लेकिन वो हमारे उन लोगों से भी क्रॉस कर गए करप्शन में। तो मैं यही कहूँगा अंत में कि चैतन्य जी को मेरी तरफ से आशीर्वाद, और साथ में आशीर्वाद तो मैंने दिया इनको, लेकिन इनसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि समाज सेवक बन करके, ये जैसे मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, ये समाज के सेवक बन के माता पिता का नाम भी उच्चारण करेंगे, हमारे गांव का भी उच्चारण करेंगे, और एक आदर्श बन के रहेंगे कि इन्होंने एक अच्छा काम किया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको फिर से आशीर्वाद देता हूँ, और जो मैंने शब्द कहे वो आशा रखता हूँ कि सामाजिक जीवन इनका ज़रूर रहेगा, और शिव अपना राम कहना राजकुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, और आप सब आए, आपने भी बड़े अच्छे विचार प्रकट किए, और यही एक अच्छी हमारी सोच है कि जब भी बच्चा एक निकले तो अपने, हम अलग अलग घरों में बैठते हैं, तो आज इन्होंने एक कार्यक्रम बना के तो किया, तो जो आप यहाँ आए जिस तरह से आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके प्रति ये ले रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे गाँव में, हमारे शिवनगर में अब अपने
प्रेस रिपोर्टर भी आ गए, एक अच्छे पुलिसमैन भी आ गए, बड़े बड़े अच्छे पोस्टों पर निकलने वाले भी आ गए। तो भगवान, मैं ऐसे अर्ज़ करता हूँ कि भगवान भोले शंकर का मंदिर है और ये सब आप लोगों के सब सहयोग से बना है, तो इसके आशीर्वाद भी हमारे सब पर है, भगवान बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। तो अब हम आपकी बातचीत करवाते हैं हमारे बीच में बैठे हुए युवा, सबके प्रिय है हमारे बीच में राजकुमार जी। ये इनकी शॉप है बाहर वार्ड नंबर 12 के, ये भी रहने वाले हैं, तो ये भी यहाँ पर बच्चे को बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं सर, जब कोई भी युवा है वो देश के लिए काम करे या समाज के लिए काम करे, नाम रोशन होता है। आज आप भी जहाँ पर इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हो, बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं CBSE बोर्ड में 12वीं कक्षा में, ये बच्चा आपके साथ क्रिकेट वगैरह भी खेलता है, क्या कहना चाहोगे इस बच्चे के बारे में और इनके माता पिता को किस तरह की बधाई देना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं इस बच्चे को मुबारकबाद दूंगा, उसके बाद इनके पेरेंट्स को भी कि जिन्होंने इतना इसको तैयार किया कि ये इतना कुछ अचीव कर पाया। तो बाद में शुरू करूँगा कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम शायद ध्यान नहीं देते क्योंकि नटखट उम्र होती है। उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में थोड़ी देर पढ़ाया है, फिर हम बच्चों को पीटते भी थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब भी नहीं बच्चे शायद सुनते थे। लेकिन जब एक आदमी पेरेंट बनता है, जब उसका बच्चा कुछ अचीव करता है, वो जो खुशी होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज जैसे मैं राजकुमार के जी के चेहरे पर देख रहा हूँ, जो खुशी है ना, इसका किसी कीमत से भी नहीं खरीद सकते, किसी पैसे से नहीं खरीद सकते। ये फीलिंग हर बच्चे को, मैं यही बोलूँगा, इस फीलिंग के लिए पढ़ना है आपने। अचीव करना, नौकरी लगना, पैसा कमाना, वो अलग बात है, लेकिन जब पेरेंट्स आप कुछ अचीव करते हो ना, जब पेरेंट किसी के सामने वो अपना सीना फुला के चलते हैं, उस फीलिंग का किसी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, ना कुछ की कोई कीमत है। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है चेतन के लिए भी और आगे और भी जो कोई बच्चा है, यही है कि अपनी पेरेंट की जो आँखों में खुशी है, जो उनका जो सीना चौड़ा करने के लिए है ना, उसके लिए पढ़ाई करो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो जो खुशी होती है, वो खुशी आप किसी पैसे से खरीद के नहीं दे सकते, इतना ही कहूँगा मैं। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, इन्होंने पूरे आपको विस्तार से बताया है कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करते हो